Bell cut. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हैप्पी किचन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको। तो आज मैंने बनाई है दोस्तों इस तरीके से मलाई और सूजी और बेसन से बर्फी, इस तरीके से जो बहुत ही आसान तरीके से बन गई है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो दोस्तों, हम दिखाना चाहेंगे आप सबको इस तरीके से कि मैंने किस तरीके से बनाया है। तो हम आपको वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और चलिए, हम वीडियो दिखाने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बेसन और सूजी की बर्फी, जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनेगी, खाने में भी बहुत स्वाद आएगा। तो बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस कप से नाप के एक कप बेसन लिया हुआ है, इन नाप के ही इस कप से एक कप सूजी है, मलाई है इसी कप से नाप के एक कप ताज़ी फ्रेश मलाई है, ये हमने चीनी लिया है, यहाँ पे हमने दो इलायची ली हुई है हरी। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो दोस्तों, कढ़ाई मेरी हो गई है गरम। अब इस यहाँ पर हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच देसी घी, इस तरीके से। दोस्तों, देसी घी में अगर मिठाई बनाई जाए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। थोड़ा सा ये हो जाए गरम। यहाँ पे हम सूजी डाल रहे हैं। इस तरीके से इसके बाद में हम यहाँ पे एक कप बेसन, दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया है। और हमको बहुत धीमी आंच करके इसको भूनना है दोस्तों, बहुत तेज आंच में नहीं भूनना है। देखिए, जितना घी गर्म हो रहा उतना ही ये पिघलता जा रहा है। तो इसी तरीके से हमें इसको भूनना है धीमी आंच पे। देखिए दोस्तों, बहुत ही आराम से और धीमी आंच पे हमें ये भूनना है। देखिए, इसका हल्का हल्का कलर जो है चेंज होने लगा है, बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। ये लमसम भून के रेडी होने वाला है, 5 मिनट समय और लगेगा। सूजी और बेसन की बर्फी बहुत ही टेस्टी लगती है, अभी जब देसी घी में बनी हो तो और भी अच्छी लगती है खाने में। तो कल है रक्षाबंधन, बाहर का चीज़ कुछ भी खाने योग्य नहीं है, लेकिन खाते ही हैं सब लोग। और जहाँ तक हो घर पे ही बना लें, सावधानी बरतें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से मेरी सूजी और बेसन देखिए बहुत अच्छे से भुना रहा है। तरीके से देखिए कितना बढ़िया कलर इसका निखर के आ गया है, बहुत ही अच्छा ये भून के तैयार हो गया है सूजी और बेसन मेरा। देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमको महक रहा है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे
ये मलाई जो फ्रेश मलाई है, कप से हिलाते हमने एक कप निकाला हुआ है। मलाई डालने से आप खोया भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम खोया नहीं डाले हैं, आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे इस मलाई को डालेंगे, तो इसका स्वाद आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा जब खाएंगे, तो इस तरीके से नहीं पता चलेगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सूजी बेसन है या खोया है। देखिए कितना अच्छा, ये बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है, देखिए कितना अच्छा, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। तो अब इसको हम करते हैं साइड में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रख दी है कढ़ाई। अब कढ़ाई रखने के बाद में हम यहाँ पे डालेंगे इस कप से नाप के 1.5 कप पानी। उसके बाद में इसी कप से नाप के हम डालेंगे यहाँ पे 1.5 कप चीनी, इस तरीके से 1 कप, 1/2 कप, तो चीनी भी दोस्तों इस तरीके से हमें गला लेनी है। इसका बहुत अच्छा पाक नहीं बनाना है कि हमको मतलब तार की चाशनी बनानी है, वो सब नहीं बनाना है। इसको हमें गरम कर लेना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी है तार की। इसको थोड़ा सा सिर्फ चीनी गल जाए, देखिए दोस्तों चाशनी मेरी तैयार हो गई है। तो इसको हम पता करेंगे, देखिए एकदम परफेक्ट चाशनी तार नहीं बन रहा है। इस तरीके की हमें चाशनी चाहिए बर्फी बनाने के लिए। तो चाशनी मेरी हो गई है, तो इसमें दोस्तों इस चाशनी को इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। इसको हमें इस तरीके से 10 मिनट तक पकाना है। देखिए इस तरीके से हमें पकाना है इसको। अब इसमें हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर, तरीके से चलाना है हमको भी हाथ में, तो देखिए बहुत ही अच्छी, इसको चलाते रहना है, आज बिल्कुल धीमी है। इस तरीके से ताकि जले ना। बहुत गजब का बर्फी बनेगा दोस्तों, इस तरीके से आप ट्राई जरूर करिएगा एक बार। गाढ़ा हो गया है, तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से बनके हो गया है रेडी। चाहे इसका आप बर्फी बना लीजिए, चाहे तो पेड़ा बना लीजिए, बहुत ही मस्त बना है। तो इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसकी गोली बन जा रही है। अभी गर्म है, अभी ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा ये बन जाएगा। तो रेडी हो गया है ये, इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दे रहे हैं।
तो दोस्तों इस तरीके का मैंने मिठाई का डिब्बा लिया हुआ है। आप ट्रे वे ले सकते हैं, थाली भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मिठाई का डिब्बा लिया हुआ है। इसके ऊपर से हम एक पन्नी, सात पन्नी है इस तरीके की, तो हम इस पन्नी को इस तरीके से लगा देंगे। इसमें हम थोड़ा सा घी वगैरह लगा देंगे और इसी में हम इस बर्फी को डाल देंगे, लेकिन थोड़ा ठंडा हो जाए, अभी नहीं। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया ये बनके हो गया है रेडी, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा ये एकदम ठंडा हो गया है, मैंने इसको ठंडा कर लिया है। तो दोस्तों ये बैटर मेरा बनके देखिए बहुत ही अच्छा सूजी और बेसन की बर्फी बनके रेडी हो गई है, आप देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से इसमें पन्नी लगा दिए हैं, हम इस पन्नी पे ही जमाएंगे दोस्तों। इस तरीके से हो गया ठंडा, तो इस तरीके से चम्मच की मदद से पूरी साइड से इस तरीके से देखिए। अब इसमें हम थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल है, थोड़ा सा बादाम है, इसको भी इस तरीके से हम सेट होने के लिए तो इसको हम आधा घंटा सेट होने के लिए रख देंगे। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे, तो अभी इसको हम आधा घंटा के लिए रख दे रहे हैं सेट होने के लिए। तो दोस्तों ये बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनके रेडी होगी हमारी। तो दोस्तों बर्फ़ी मेरी बनके देखिए हो गई है रेडी, तो इसको हम इस तरीके से इसका निकाल देंगे। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से जमा हुआ है, इसको इस तरीके से हम कट कर दिए थे। देखिए बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है बनके मेरी ये मिठाई। इस तरीके से हम दूसरा इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से ये निकल रहा है। इस तरीके से बहुत ही अच्छी मेरी मिठाई बनी हुई है ये, इस तरीके से हमको सारी निकाल लेनी है। ये देखिए दोस्तों मेरी मिठाई बनके सूजी और मलाई बेसन से मिठाई देखिए तैयार हो गई है बनके, बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये, देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा बना है, मार्केट से भी अच्छा बना है ये, आप देख रहे हैं इस तरीके से बहुत ही अच्छा और मुलायम भी बहुत ही अच्छे से है। देखिए बहुत ही अच्छी मिठाई बनके रेडी हुई है, तो आप देख लीजिए इस तरीके से बनाइएगा घर पे ही। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों शेयर करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।